महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर जितेंद्र आव्हाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। एमवीए सरकार के बनते ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी, बड़ा दावा किया जा रहा है जितेंद्र आव्हाड़ की तरफ से। एनसीपी शरद गुट के नेता है जितेंद्र आव्हाड़। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, ये दावा कर रहे हैं। अजित पवार पर भी जितेंद्र आव्हाड़ ने हमला किया, कहा शरद पवार को अजित ने घर से धक्का मार कर निकाला है। तो नीतीश और नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, बड़ा दावा जितेंद्र आव्हाड़ की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते ही केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी, ये बड़ा दावा जितेंद्र आव्हाड़ जो कि एनसीपी शरद गुट के नेता है उनकी तरफ से किया गया है। लगातार अपनी बयानबाजियों को लेकर चर्चा में तो रहते ही हैं, लेकिन मजबूती से एनसीपी शरद गुट के साथ खड़े हुए भी हैं। और कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट यानी कि जो महाविकास अघाड़ी के ये घटक दल हैं, उनकी सरकार विधानसभा चुनावों में आ जाएगी महाराष्ट्र में इस बार, तो केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार जेडीयू के नेता, इधर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों समर्थन वापस ले लेंगे, ये दावा जितेंद्र आव्हाड़ कर रहे हैं। किस दिन महाराष्ट्र सरकार गिर गई, किस दिन महाराष्ट्र सरकार महाविकास आघाड़ी के हाथ में आ गई, महाविकास आघाड़ी ने सरकार बना ली, तो कसम से जितनी मेरी समझ है, 35 साल का तजुर्बा है, उस दिन से लेके 60 दिन में चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी को दिया जो समर्थन है वो वापस खींच लेंगे और ये सरकार वैसी ही। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी थी, चलो बताओ, जोर से बताओ। शरद पवार को एक दिन अजित पवार आता है, धक्का मार के बाहर निकाल देता है और जाते जाते उसके हाथ से घड़ी भी छीन लेता है। ये पाकिट मारों की टोली है, पाकिट मारों की। अरे हिम्मत थी तुम्हारे में ना, मर्द का औलाद था अजित पवार, तो बोलता था कि शरद पवार ने तुतारी ले दी, मैं भी कोई तीसरा निशान ढूंढ लेता हूं और लड़ता हूं चुनाव, तो हम उसको मर्द कहते हैं। अरे तुमने तो, तुम्हारे चाचा ने जो देश में बढ़ाई हुई पार्टी है, जो पूरा निशान ही उसने देश लेके गया, तुम उसको चुरा कर अपना मेरा 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 करके घूम रहे हो। जनता को मालूम असलियत क्या है, ये देश गांधी का है, ये हम जिंदगी भर में नथुराम के हाथ में जाने नहीं देंगे। ये नथुराम की औलाद है जो आज इस देश की अमन और शांति को खराब कर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे इस वक्त मुंबई का, मेरे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, जितेंद्र आव्हाड़ की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई तो फिर केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा है ये, सही जरूर है कि शरद पवार के जो दोनों नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों, उनसे काफी अच्छे संबंध हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सरकार चल रही है केंद्र की, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके संबंधों में कोई खटास आई हो कि शरद पवार के कहने से इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर जितेंद्र आव्हाड़ की बात करें तो जितेंद्र आव्हाड़ भी शरद पवार गुट के बड़े नेता हैं एनसीपी के, उनकी शरद पवार से क्या बात हुई है ये वही जान पाएंगे। लेकिन एक छवि उनकी ये भी है कि थोड़े बड़बोले नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर बोला है और जिस तरह से अजित पवार पर हमला किया है, इसके बाद अजित पवार गुट के नेता भी हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसी तरह से जितेंद्र आव्हाड़ बोलते रहते हैं, छगन भुजबल ने तो यहां तक कहा कि इसी बड़ बोलेपन के चलते उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, सोच समझकर बोलना चाहिए जितेंद्र आव्हाड़ को, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आने लगे हैं। लेकिन जितेंद्र आव्हाड़ के सरकार गिरने के क्या मायने हैं, 7 दिन में सरकार, केंद्र सरकार कैसे गिरेगी, वो जितेंद्र आव्हाड़ ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर स्थितियां देखें तो ऐसी नहीं लग रही है। अमूमन देखा गया कि जब इस तरह की चुनावी रैलियां होती हैं और अपने समर्थकों के बीच में कोई नेता होता है तो वो या तो उसकी जुबान फिसल जाती है या फिर वो हवा हवाई दावे करने लगता है, तो क्या ये उसी तरह का कोई हवा हवाई दावा है या फिर अंदर खाने कुछ पकाने की कोशिश हो रही है? अह
अभी तक इस तरह से नहीं लगता कि कोई अंदर खानी कोई पकाने की चीज हो रही है, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें दोनों तरफ से की जाती हैं, दोनों तरफ के नेता इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये बातें थोड़ी ज्यादा बड़ी बात हो गई कि केंद्र की सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, केंद्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, दोनों राज्यों के भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थितियां देश में देखने को नहीं मिल रही हैं कि केंद्र से जो दोनों नेता हैं अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शरद पवार के नेताओं से काफ़ी अच्छे संबंध हैं, लेकिन परिस्थितियां अगर कुछ बदलती हैं तो शरद पवार बीच बचाओ या बीच में आकर कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां देखकर ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार पर एक चुनावी माहौल गरमाने या चुनावी माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, नजरें बना रखे, अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे। तो एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड़ की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली धमकी पर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, धमकी देने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया, आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी जिस तरह से दी गई थी, अब उस मामले में कार्रवाई यहां पर की गई है और कार्रवाई करते हुए एक महिला को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी, आप देखते रहिए न्यूज 24।